वेलकम बैक। अब हम कुछ बात करेंगे जिमनी 168 के इलेक्शन के हवाले से। 168 का इलेक्शन हुआ पीपी का, उसके बाद जो है वो दोबारा से नून लीग की जानिब से तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया, दोबारा गिनती का अमल शुरू हुआ और दोबारा से पीटीआई ने मैदान मार लिया। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए पीटीआई से ताल्लुक है जी एमपीए नीलम हयात मेरे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद कहेंगे जी आपको प्रोग्राम में, आपने वक्त निकाला। और दूसरी जानी मेरे साथ मौजूद हैं जी सलमान तारिक, रिपोर्टर है लाहौर न्यूज़ के और अक्सर फील्ड में जो है वो सियासत की खबरें निकालते हुए नजर आते हैं। अच्छा नीलम साहब, आपसे बात का आगाज करूँगी कि पीपी 168 का इलेक्शन जो है वो जीतना कितना ज़रूरी था पीटीआई के लिए? बहुत ज़रूरी था जी, क्योंकि आगे नून लीग जो भी धांधलियाँ करती थी तो, और वाकई ही धांधलियाँ करती थी, तो ये हम असेंबली का हमारा सेशन 11 बजे शुरू होना था, तो मैं सुबह 6 से 11 बजे तक रही कैंप्स में और मैंने इस दफ़ा देखा कि बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा आगे मैंने आर्मी और पुलिस को नहीं देखा और बहुत ज़्यादा कंट्रोल था और लोग जो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा निकले और लोग खुद निकल के आ रहे थे और वो यानी कि इतना उम्मीद नहीं थी कि गलियों से मोहल्लों से निकल के लोग आएंगे। और मैं गई भी उस तरफ कमाहा की साइड पे, वो जो छोटे छोटे पुलिस स्टेशन थे मैं उधर गई थी, तो और वो वाकई ही जो असद खोखर साहब हैं वो डिज़र्व भी करते थे, लेकिन इन लोगों ने फिर धांधली का शोर एज़ यूजल, अगर ये जीत जाते तो फिर नहीं होना था। अच्छा नीलम साहब, ये क्या बात है कि जो एक पार्टी इलेक्शन जीत जाती है दूसरी जो है वो धांधली के इल्जाम लगाती है? नून लीग की गवर्नमेंट थी तो पीटीआई शोर मचाती थी, बिल्कुल मचाते थे, अब पीटीआई की गवर्नमेंट है नून लीग शोर मचाता है धांधली, ये क्या एक ट्रेंड बन चुका? मैं थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, मैं ये आपको जरूर कहूंगी कि आगे जब इन लोगों की गवर्नमेंट थी तो हम लोग समझते थे कि जी जो इलेक्शन होते हैं वो सिटिंग गवर्नमेंट का होता है और वो खासतौर पर बाई इलेक्शन जब होता है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक तब्दीली का नारा और इंसाफ का नारा लगाया है और हम अभी तक माशाल्लाह 4 महीने हो चले अभी तक हम उसी पर कायम हैं। ये लोग हों, हम लोग हों, हम इंशाल्लाह इंसाफ का दामन हाथ से छोड़ेंगे। अच्छा इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा जाए जी जाएगा, पीटीआई का ये मंशूर है। रुख करते हैं सलमान तारिक का। सलमान तारिक, ज़िमनी 168 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो है वो पीटीआई जीती, दोबारा गिनती हुई और दोबारा से पीटीआई मैदान में आई, किस तरह से देखा? जिमनी इलेक्शन पीपी 168 में एक नई बात ये हुई है कि जी लाहौर के नून लीग का गढ़ है, नून लीग के ही गढ़ में जो है नून लीग की सीट जीती हुई सीट पीटीआई ने जीती है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है सियासी हवाले से भी पीटीआई को कि जी नून लीग की जीती हुई सीट जीती, क्योंकि पिछले जिमनी इलेक्शन हुए थे उसके अंदर मुस्लिम लीग नून ने सीट्स निकाली थी और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग भी की थी कि देखें जी हम उन सीटों पर भी जीत गए जिन पर पीटीआई जीती थी जनरल इलेक्शन में, तो ये नून लीग की अपनी सीट थी और वो सीट थी जहाँ पर ख्वाजा सादर फिक ने 22,000 के मार्जिन से ये सीट अपनी तरफ ली थी और इस पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ और उसके बाद अगर देखा जाए टर्नआउट की बात करें तो टर्नआउट तो बहुत कम रहा है, 27% भी टर्नआउट नहीं था और बहुत ही कम मार्जिन से जीत हुई है, लेकिन जीत पीटीआई को ये बेनिफिट देगी है कि जी ज़िमनी इलेक्शन में आमतौर पर जो ख़ासतौर पर ये देखा जाता है कि जी लाहौर के गढ़ में लाहौर मुस्लिम नून की ही सीट जीती हुई सीट पीटीआई ने जीत ली, और दूसरा ये कि एक जो रिवायत बनी आ रही थी कि जी सिटिंग गवर्नमेंट जीती है वो रिवायत भी बरकरार हो गई कि जी सिटिंग गवर्नमेंट जो सी है वो ज़िमनी इलेक्शन जीत जाती है। जहां तक बात रही तहफ़ुज़ात की, तो इस इलेक्शन के दौरान खास तौर पर जैसे जैसे आखिरी औकात आना शुरू हुए रिजल्ट्स के, तो उसके अंदर मुस्लिम नून के कारकुनों के चेहरे भी मुरझाने लगे थे और साथ साथ वो तहफ़ुज़ात और शोर शराबा उन्होंने शुरू कर दिया था, शिकवे शिकायत कि जी हमारे साथ ये हम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला हमें खेलने के लिए और रातों रात असद खोखर साहब ने कोई खरीदो फरोख्त, ये उनके इल्ज़ामात थे डायरेक्ट ऑन कैमरा, तो इस तरह की बातें मुस्लिम लीग नून के कारकुनान करने लग गए थे। और दूसरा जो मेन उनका शिकवा था वो ये था कि जी वर्किंग डे में इलेक्शन रखवा कर हमारा नुकसान किया गया, वो ऐसे कि जी वर्किंग डे में टर्नआउट ने बता ही दिया कि वर्किंग डे में ऑब्वियसली 9 to 5 ऑफिस के टाइम होते हैं, आप सरकारी मुलाजमीन को तो उस हल्के में छुट्टी दे सकते हैं लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जितना भी मुलाजिम ताजिर है है वो तो 9 to 5 उसने काम पे जाना है, जिसने बैंक में जाना है उसने बैंक में जाना ही जाना है, जिसने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है अगर उसने यूनिवर्सिटी जाना ही जाना है, तो ये भी एक फैक्टर था टर्नआउट कम होने का। और दूसरा टर्नआउट कम हुआ और कम मार्जिन से पीटीआई ने सीट जो निकाल लिया उस पर मुस्लिम लीग नून ने एज यूजुअल शोर तो मचाना था, बिल्कुल जी मुस्लिम लीग नून की जानिब से शोर भी मचाया गया, उसके बाद दोबारा गिनती का अमल शुरू हुआ और दोबारा से पीटीआई के ही चंद वोट जो हैं वो बढ़े और दोबारा से पीटीआई ही जीती जी 70 वोट बढ़े बल्कि उल्टा। और ये मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगी
कि सिटिंग गवर्नमेंट, अभी हुमायूं अख्तर का इलेक्शन हमारी गवर्नमेंट में ही हुआ है और हम नहीं जीते, तो इसलिए जो बात मैंने पहले की आपसे कि हम इंसाफ का दामन हाथ से कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, जो रिज़ल्ट आया उसे कबूल भी किया, तो दोबारा इन लोगों ने शोर मचाया तो गिनती फौरन हुई। ये नहीं हुआ कि जी इसको महीने 10 दिन लगा दें, फौरन हुई और कल सारा दिन गिनती होती रही और 70 वोट और निकल आए। अच्छा मलिक असद की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि इलाके के जो मसाइल हैं उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे, उन पर जल्द अज जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। किया भी है और आइंदा भी करेंगे। जाहिर है कि जी ये तो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई जमात हो, अगर वो उस हलके में जीते हैं और गवर्नमेंट भी उनकी हो, हमारे साथ तो ये मसला होता था ना, इलेक्शन जीत के भी हम काम कर ही नहीं सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देती थी। तो ये जबकि गवर्नमेंट भी हमारी है तो काम बिल्कुल होने चाहिए, जेन्युइन काम क्यों नहीं होने, हो रहे हैं और इंशाल्लाह होंगे। बस ये लोग शोर मचा रहे हैं बहुत ज़्यादा और ये लोग मचाते रहेंगे क्योंकि हम तो असम्बली में रोज़ मछली बाज़ार लगा देखते हैं, कुछ भी हम बोल दें इन्होंने हमें बोलने नहीं देना। अच्छा नीलम साहब, आपने कहा कि हर रोज जो है वो ऐवान मछली मंडी बन जाए, बिल्कुल हर रोज शोर उठता है, हर रोज एहतजाज होता है जी, किस तरह से देखती हैं इन एहतजाजों को, इन शोर को, वजह क्या समझ आती है? देखें, एहतजाज करना जायज़ चीज़ों पे जमहूरियत में होता है, बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ जमहूरियत का हुस्न है कि ये जब तक ना हो तो वन साइडेड तो चीज़ हो नहीं सकती। लेकिन मैं ये जो मैं, क्योंकि मेरी पहली टर्न है असम्बली में, ठीक है, जो मैं नोट कर रही हूँ, पहले हम सिर्फ टीवी पर बैठे देखा करते थे, लेकिन जो मैं नोट करती हूँ ना, ये फजूल बोलते हैं, फजूल एहतजाज करते हैं। और आई एम सॉरी टू से कि एक दफ़ा हमारे बड़े मोहतरम थे असम्बली में, उनको जो उनमें से एक मोहतरम साहब बोल रहे थे, उनको कहना पड़ा कि भाई आपके पैसे पूरे हो गए, आप बैठ जाइए, वो आपके कायदीन ने टीवी पर देख लिया है कि आप उनके हक में बहुत अच्छा बोल गए हैं, पैसे पूरे हो गए, आप बैठ जाइए। लेकिन नीलम साहब, ये भी तो है कि हमने जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, तब्दीली का नारा लगाया, इंसाफ का नारा लगाया, बड़ी बड़ी बातें भी की, उसके बाद 100 रोज़ा प्लान भी, लेकिन अवाम ने जिस तरह से एक पार्टी को चुना था, अब नाराज़ होना शुरू हो गई है अवाम, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और आम अवाम को अपनी बुनियादी ज़रूरियात ही चाहिए और वो कुछ बड़ा नहीं चाहती। देखें जी, मिक्स लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई पीटीआई की बड़ी फेवर कर रही हूँ, लेकिन 100 रोज़ा प्लान था जिसमें पॉलिसीज बन गई हैं, अब उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए तो टाइम चाहिए। एक बात तो ये होगी, लोगों को, लोग समझते हैं कि 100 रोज़ा प्लान में मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, ऐसे नहीं है, पॉलिसीज बन गई हैं, अब उन पर काम आहिस्ता आहिस्ता। बाकी आपका दूसरा सवाल कि जो लोग शोर मचा रहे हैं, वो शोर मचाने वाले अक्सर यही लोग हैं। देखें, डॉलर को इन्होंने आप कह लें कि आर्टिफिशियल तरीके से दबाए रखा, ये साग डार सब काम करके गया है, तो अब जब ये लोग गए हैं तो वो आपके जो भी आप लोग बैठे, आपकी पॉलिसीज बनी, तो डॉलर की कीमत एकदम जो है ऊपर गई, पाक रुपये की कीमत जो है वो नीचे गई, तो ये तो होना ही था, ये थोड़ा सा हमें कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को कहते सुने, क्योंकि मैं एक आपको ये भी बता दूं कि मैं एक चैरिटी स्कूल रन करती हूँ विदाउट फी के, और वो मैं, यानी कोई मेरी एनजीओ नहीं है, मैं अपनी यानी समझे मेरा शौक है, तो 50 बच्चा मैं पढ़ाती हूँ, और किस एरिया में वो मेरा स्कूल है, ये रंग साजों के और मेट्स के बच्चे सारे वहाँ से वो मेरे स्कूल में होते हैं, मुझे इसलिए उन और साद रफीक का वो एरिया है, मुझे उस जगह पर बैठने का, उन लोगों के बीच में बैठने का पिछले 13-14 साल से मेरा तजुर्बा है कि ये लोग किस कदर ये लोग तंग हैं। और ये लोग कहते थे पता नहीं हमारी जान कब छोड़ेंगे, पता नहीं हमारी जान कब छोड़ेंगे, और ये नकली तरीके से आके इन्होंने कर दिया मुल्क का बेड़ा गर्क। और असम्बली में खड़े होकर जब ये हमसे पूछती हैं ना, हमारे वजीर सवाल, इनके सवालों के जवाब देने के पाबंद हैं, तो ये जी फलां जगह ये क्यों हुआ, तो फलां जगह क्यों हुआ, कल जैसे एक मिनिस्टर वहाँ, मिनिस्टर कह रही हूँ, एक एमपी साहब खड़े हो गए और उन्होंने हमारे मिनिस्टर से सवाल किया कि मिलावट शुदा दूध मिल रहा है, भाई 4 महीने से मिल रहा है, कब से ये तुम लोग गंदे काम कर कर के कर कर के, अब अवाम जो है ना, इस तरह के जो बुरे लोग हैं वो अब शेर हो गए। अच्छा नीलम साहब, PP 168 का जो मार्का था, कहा जाता था कि वो नून लीग का गढ़ है जी, PTI ने वहां से मैदान मार लिया, पार्टी का मोराल बुलंद हुआ, बाकी जो तमाम साथी थे उनका भी एक मोराल बुलंद हुआ, बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा मोराल। और एक एक बंदे ने हमने जाके काम किया, हमने इस दफा तहैया किया था कि हमने करप्शन होने ही नहीं देनी, हम क्योंकि असम्बलियों में बैठते थे तो हमें तो वहां से छुट्टी करने की इजाजत नहीं थी,
हम सिर्फ ये थोड़ी देर ही हम गए हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं, बट जो हमारी बाकी कोलीग्स थी, मैं कहती हूँ दिन रात लोगों ने काम किया और उन्होंने जेन्युइन काम किया। ये नहीं किया कि वो कोई चोर रस्ते ढूंढते कि हम किस तरह से लोगों, इनके पास तो ना उल्टे काम बड़े थे कि हम आईडी कार्ड्स लोगों के कैसे। आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ, बड़ी ये कोई पिछले इलेक्शंस की बात है, मॉडल टाउन का कब्रिस्तान था तो वहाँ पर वो मुझे किसी ने ये किस्सा सुनाया बड़े क्लोज ने, उन्होंने कहा कि जी वो हमसे पूछते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है पीटीआई वालों की। उन्होंने कहा बस ये अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा आपकी कैसी चल रही है, तो नून लीग वाले कहते हैं जब पीछे कब्रिस्तान है ना, हमने तो इनके भी आईडी कार्ड बना ली। यानी उनमें जो वो उनके हथकंडे हैं ना, उनको हम पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं वो भी बड़े लोगों को, ये जो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये बात बताना चाह रही थी, बहुत से लोगों को ये जैसे ये तजावीज़ात गिर रही हैं और कई लोगों को नुकसान हो रहे हैं। अब उनका कसूर इसलिए नहीं था कि जिस माफिया से उन्होंने चीज़ें खरीदी थी, उन्हें तो नहीं पता था कि वो उनको नकली रजिस्ट्रियाँ दे रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ये काम करने ही करना है। उसमें सही लोग जो हैं वो भी पिसेंगे और जो बुरे लोग हैं मंशा भट्ट जैसे लोग, वो भी जो है वो भी उन पर भी हाथ डाला जाएगा। तो कड़वा घूंट थोड़ी भरना पड़ेगा हमें अपनी आइंदा की नस्लों को दुरुस्त करने। अच्छा सलमान तारिक आपकी तरफ आऊंगी, पीपी 168 का इलेक्शन हुआ उसमें हमने देखा कि मलिक असद खोखर की जानिब से बहुत ज़बरदस्त कैंपेन भी की गई, लेकिन आखिरी दिन तक जो है वो बहुत कम दिन रह गए थे जब तक नून लीग की जानिब से अभी तक नुमाइंदा ही फाइनल नहीं था कि मैदान में कौन उतरने वाला है। उसके बाद जो है वो ये कहा जाए कि धांधली हुई है या फिर दोबारा से वोटिंग का अमल, वही एक जो रवायती रवैया है वही अपनाया गया दोबारा से। बिल्कुल ऐसे ही है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो उम्मीदवार था वो काफ़ी देर बाद अनाउंस किया गया था, और वो खालिद कादरी साहब पहली दफ़ा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और उनको कोई जानता भी नहीं था उससे कबल। जब नाम अनाउंस किया तो उसके बाद ही आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला कि जी हाँ जी ये हमारे हल्के से BMLN के उम्मीदवार हैं। लेकिन जो असद खोखर हैं वो ऑलरेडी उनको लोग जानते हैं, उनका एक नाम है सियासत में और इससे पहले भी वो N136 से हाँ जी अफजल खोखर के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ चुके हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे भी उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई थी। तो इलेक्शन कैंपेन तो उनकी जानिब से चलाएगी, डे वन से ही चलाएगी, क्योंकि उनका नाम फ़ौरन PTI ने कर दिया था। इलेक्शन कैंपेन तो चलाई, लेकिन इलेक्शन कैंपेन चलाना और दूसरा फिर उसके बाद एंड पे जो रिजल्ट निकला जी बहुत कम टर्न आउट, एक बड़ी बदकिस्मती वाली बात है कि जी एक हल्के से इतना कम टर्न आउट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी में इजाफा होता है। कम टर्नआउट से इलेक्शन सो हो जाता है, ठीक है यार हो गया। 1,26,000 वोटर्स हैं इस हल्के में, तो टोटल वोट कितना पड़ा है 35-40 मैक्सिमम, तकरीबन 36,000 35-40 ये वोट डला है। ये बड़ी बदकिस्मती वाली बात है एक हल्के के लिए। दूसरा ये बात मैडम बता रही थी कि जी PMLN ने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया, ये तो चीज़ें चलती आ रही हैं सियासत में PTI की जानिब से, मुस्लिम लीग नून पे इल्ज़ाम भी चलते हैं। और जहाँ तक पंजाब असेंबली की बात है मछली मंडी, तो ये सिर्फ इस टर्म में नहीं आपको नजर आएगा, इससे पहले भी जब PTI की भी जब अपोजिशन थी तब भी वो मछली मंडी ही बना करती थी। ये हमेशा से रिवायत चली आ रही है, पंजाब असेंबली में अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मछली मंडी बननी चाहिए। जो भी PTI में आएगा मछली मंडी बनाएगा, ये बहुत ज्यादा करते हैं ये जो नून लीग वाले हैं ना, अंदर पीपल्स पार्टी वाले भी बैठे होते हैं, मगर इनमें से उसकी रीजन एक है कि आपकी अपोजिशन में 30 बंदे थे, 30-34 इनके 150+ है, तो इनके बंदे ज्यादा है। इसलिए ज्यादा ही करते हैं, हजूम ज्यादा होने की वजह से भी जरा ज्यादा शोरों को लुटता है। उस हजूम में बड़े चुप करके भी लोग बड़े तरीके से भी बैठते हैं, बट अपने लोगों को मना कर रहे होते हैं। बट कुछ ने तो मुझे पता है कि वो तो पैसे ही इस चीज के लेते हैं कि जितना बोलोगे जितना ऊपर जाओगे, कि हमारे वो मौजज इवान में से किसी को कहना पड़ा यार बैठ जाओ पैसे पूरे हो गए, यानी वो फजूल बोलते रहते। एक तो होता है ना कि कोई हेल्दी आप अगेंस्ट हो किसी के तो वो एक अच्छी चीज है, लेकिन खाम खा ही उठ के शोर मचाना शुरू, बराए तनकीद चल और फिर गालियाँ स्पीकर साहब की, हो गालियाँ वो अच्छा नहीं लगता। देखें ये एक ठीक है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन इस रवायत को ख़त्म होना चाहिए, इस रवायत को ख़त्म होना चाहिए। अब हमने आगे बढ़ना है, ये तो नहीं कि आप हमारे लोग, कल भी वहाँ उनके लोगों ने एक बड़ी अच्छी बात की, हमने डेस्क बजाए, हमने उन्हें अप्रिशिएट किया, तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब ये ख़त्म होना चाहिए पिछली रवायतें कि तुम उसे बुरा कहो तो तुम उसे बुरा, जो चीज़ बुरी है उसको बुरा कहें, बट अगर कोई अच्छा काम करे, मैंने एक करारदाद पेश की पिछले दिनों, मेरी एक करारदाद मंजूर हुई है, मैंने खड़े होकर बोला कि ये जितने सेफ सिटी अथॉरिटी है इन्होंने जो कैमरे लगाए हुए हैं, अक्सर कैमरे, मैंने ये नहीं कहा सारे,
میں نے کہا اس میں سے اکثر اتنی دھندلی تصویر ہے تو پتہ کیا جائے کہ یہ جو کروڑوں کا گھپلا تھا ان لے کے یہ جو کیمرے لگائے گئے یہ کیوں نہیں کوالٹی کے کیمرے لگائے گئے, ان کی تفتیش کی جائے. اور پھر میں نے اپنی گورنمنٹ سے اپیل کی کہ اس کی جگہ اچھے کیمرز لگائے جائیں تاکہ موٹر سائیکل چھین کے, پرس چھین کے, وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس شکل دھندلی نظر آتی ہے. اور میں نے کوئی بری بات تو نہیں کی. اب ہوتا ہے کہ ایوان نے ہاں اور نہ سے منظور کرنی ہوتی ہے. ہمارے سب نے کہا, انہوں نے اسپیکر صاحب نے کہا جی جو اس کے حق میں ہے ہاں بولیں, تو سب نے ہاں کہا. اب ان کو بولا, سب نے نہ کہا. اب بولیں کہ نہ کرنے کی بات ہے؟ اور انہوں نے اٹھ کے بس ایک بولی, انہوں نے کہا کہ جی فلانے بم دھماکے کے مجرم پکڑے گئے تھے, انہی کیمرہ سے پکڑے گئے تھے. تو میں نے کہا جی میں نے پورے پوروں کی تو بات ہی نہیں کی. اچھا یعنی وہ جو ایک تنقید برائے اسلام برائے نہیں تنقید. بلکہ تنقید برائے اچھا. تنقید کا کلچر بہت عام ہو گیا, بالکل یہ تو عام چلتا رہا. لیکن اس میں میم ایک یہ ہے کہ آپ چونکہ گورنمنٹ میں ہیں, گورنمنٹ کو ہی بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسمبلی کے احاطے میں آ کے فیاض الچوہان صاحب بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کرتے. نون لیگ کی اچھی خاصی وہ لگا کے وہ جملے بازی بھی کرتے ہیں اور ٹانگے بھی کھینچتے ہیں اور اچھی خاصی کرتے ہیں. تو ایسے میں جب حکومت کی جانب سے یہ رویہ ہو تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ تنقید برائے تنقید کا. میں آپ کو بتاؤں, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, جتنی یہ لوگ گندی اور بری تنقید کرتے ہیں نا اس کے مقابلے میں فیاض صاحب کچھ بھی نہیں کرتے. فیاض صاحب ڈائریکٹ, لیکن فیاض صاحب بھی آج کل کافی ویسے انہیں کافی وہ مار کرتے ہیں. دیکھیں اس طرح کے نا میں یہ نہیں کہتی, لیکن یہ لوگ اتنی بری بری باتیں کر جاتے ہیں کہ تھوڑا بہت تو توڑ ہونا چاہیے. اگر بالکل ہی چپ کر کے بیٹھ جائیں تو یہ تو ہمیں بات ہی نہ کرنے دیں. اس کا مطلب اپوزیشن کا جو توڑ ہے تھوڑے بہت لوگ نے فیاض الحسن صاحب کو رکھا جی. نہیں نہیں رکھا نہیں ہوا, ان کی اپنی ماشاءاللہ سینس ہے. اور کئی دیکھیں جہاں انہوں نے غلط بات کی انہوں نے فوراً ایکسکیوز کی. لیکن یہاں تو یہ مسئلہ ہے ان لوگوں میں, یہ تو ایکسکیوز بھی نہیں کرتے. یہ ہر بات پہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل ٹھیک ہیں, ہم تو بالکل صحیح بول رہے ہیں. اور چار مہینے میں یہ آپ اٹھ اٹھ کے پوچھتے ہیں کہ جی فلاں چیز کا جواب دیں, فلاں چیز کا جواب دیں. تو بات یہ ہے کہ جب تم لوگ تھے 10 سال تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ 30 سال ان کے 30 ایئرز. آپ تبدیلی کا بھی نعرہ لگایا, انصاف کی بھی آپ نے بات کی ہے. ابھی عوام کو جو ہے وہ کتنا انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ عوام آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی ہوگی وہ پریشان ہو جائے گی. ان کی تو جب ایک ایک روپے کا بجٹ گھر میں بڑھتا ہے تو پھر ان کی جیب پہ بہت اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں تبدیلی جو ہے وہ دنوں میں نہیں آتی. بات یہ ہے کہ اگر ہمیں لیڈر چاہیے تھا, الحمدللہ ہمیں لیڈر مل گیا. اگر سنگاپور کیا تھا, ایک مچھیروں کی قوم تھی, لیڈر ملا, اب ورلڈ ٹریڈنگ وہاں سے ہوتی. ملیشیا دیکھ لیں, اسی طرح آپ باقی چھوٹے, یعنی ہمارا ملک جو ہے اس میں سب کچھ ہے بٹ ایک لیڈر نہیں تھا. اور یہ ان کے ہمارے دشمن بھی کہتے ہیں کہ عمران خان بہت ایماندار لیڈر ہیں. لیڈر کہتے ہیں یا نہیں بٹ وہ کہتے ہیں کہ جی بڑے ایماندار ہیں. پتہ نہیں کوئی پرانا کوئی قصہ بتا رہا تھا کہ ایک 50 روپے رشوت وہ مانگ رہا تھا بندہ کہ 50 روپے دے دو تو تمہیں ہم یہ پتہ نہیں کیا چیز تھی تو وہ انہوں نے کلیئر کروانی تھی. عمران خان جا کے لائن میں لگ گیا, انہوں نے کہا میں لائن میں لگنا پسند کروں گا, میں نے 50 روپے نہیں دینے. یہ 20-25 سال پرانی بات ہے. جو اتنا ایماندار لیڈر ہو, نہ وہ کرپشن کریں گے نہ وہ کرپشن کرنے دیں گے. یہ سرکاری اسکول, سرکاری کہہ رہی ہوں, یہ جتنے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کو بھی ہاتھ ڈلا ہے. کل پھر میں نے 3-4 قراردادیں جا کے جمع کرائی ہیں ڈاکٹرز کی فیس کے بارے میں. یعنی کہ اپنی گورنمنٹ سے ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. خراب پتہ ہے, قوم دلیر بڑی ہو گئی ہے. جو قوم ہے نا جو برے کام کرتے ہیں وہ دلیر بڑے ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو منع ہی نہیں کیا گیا تھا. ہمیں کیا پتا ہم گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں, ہمیں کیا پتا ہم بکرے کا گوشت کھا رہے ہیں. اور سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں, پورا شہر جو ہے وہ جام ہو کے رہ جاتا ہے. کس چیز سے سوری؟ یہی آپ بات کریے کہ قوم دلیر بہت ہو گئی, ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے احتجاج سب سے پہلے سڑکیں بند, توڑ پھوڑ. میرا مقصد اس دلیری پہ نہیں, میں اگلی بات کر رہی تھی, شاید آپ نے سنی نہیں. میں نے کہا کرپشن پہ بڑی دلیر قوم ہو گئی ہے کیونکہ کبھی ہاتھ ڈالا ہی نہیں گیا تھا. تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ کبھی, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اندرون شہر میں جائیں جو مچھلی تلی جا رہی ہے کس گھی میں تلی جا رہی ہے, مرچے ہم کھا رہے ہیں کون سی کھا رہے ہیں, ہم دودھ پی رہے ہیں تو کون سا پی رہے ہیں. 4 مہینے میں 30 سال کا گند تو صاف نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہو گیا جی, وقت لگے گا چیزوں کو بہتر ہونے میں. شکریہ نیلم حیات, آپ نے ہمارے ساتھ دیا. شکریہ سلمان طارق. بات چل رہی تھی جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی, ضمنی 168 کے مارکے کی بھی ہم نے بات کی. دوبارہ گنتی ہوئی, اس کے بعد دوبارہ سے پی ٹی آئی کے حصے میں جیت آئی. ان تمام باتوں پہ ہم نے آج کی ڈسکشن کی ہے. ابھی وقت ہے ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے اور بھی باتیں ہوں گی.